Assalamualaikum my dear students, I hope so you will be fine. Welcome to online classes, again welcome to our physics department. Today we will be discuss scalar quantity, vector quantity and position. And these topics belongs to chapter number 2 and it's your third lecture from chapter number 2. I hope so, जो दो पहले lecture हुए होंगे उनको आपने अच्छे तरीके से detail में discuss किया होगा. Okay beta, we will move forward to the आवर टॉपिक्स डिफाइन स्केलर. स्केलर क्या है? स्केलर कहते हैं बेटा किसी भी चीज़ के अगर आपको मैग्नीट्यूड पता है तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है. मैग्नीट्यूड क्या है इसको आगे डिफाइन करेंगे. सिंपली दैट इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा. सबसे पहले मैस. मैस क्या होता है? लेंथ. लेंथ क्या है? टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी. अब मैस की बात की है, मैस एक एग्जाम्पल है. मैस कैसे एग्जाम्पल है? मैस कह देते हैं बेटा आपके पास 5 kg शुगर है. अब 5 kg क्या है? वो उस चीज़ की मैग्नीट्यूड है. शुगर की मैग्नीट्यूड है 5 kg. ठीक है, अब मैग्नीट्यूड है तो उसको मैग्नीट्यूड को डिफाइन करना है. तो वो क्या है? मैग्नीट्यूड इज़ अ क्वांटिटी मींस इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट. मैग्नीट्यूड कहते हैं किसी भी चीज़ की न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका एक ख़ास यूनिट को मिला दिया जाए. जैसे मैंने एग्जाम्पल में कहा है आपको 5 kg शुगर. अब 5 kg क्या है? 5 आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, kg आपके पास एक अप्रोप्रिएट यूनिट है मैस का. ठीक है, तो उन दोनों का मिला के कहेंगे कि वो उस चीज़ की मैग्नीट्यूड है. क्लियर. नेक्स्ट वन इज़ डिफाइन स्केलर, सॉरी डिफाइन वेक्टर. वेक्टर क्या है? वेक्टर जैसा कि हमने स्केलर में बात की कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ तो वो स्केलर क्वांटिटी है, और अगर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसी चीज़ की डायरेक्शन भी पता है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, मिसाल के तौर पर वेलोसिटी. एक कार है वो मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ. ठीक है, अब 5 मीटर पर सेकंड क्या है? वो उसकी मैग्नीट्यूड है. और अगर कह दिया जाए कि वो कार 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी. ठीक है, जिसमें आपको डायरेक्शन भी पता चल जाएगी. नेक्स्ट है फोर्स. एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, मोमेंटम. अब इसके एक पिक्चर में देखें तो ये आपके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों शो कर रहा है. कैसे? अब देखें, अगर कोई भी एक एंगल बनाना है, हम कह देते हैं कि वो एंगल ड्रॉ करना है 60 डिग्री पे, तो वो 60 डिग्री असल में उसकी मैग्नीट्यूड है. और वो 60 डिग्री पे जहाँ पे एंगल जा रहा होगा, जैसे ये एरो है 60 डिग्री पे एरो जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो उसकी एक डायरेक्शन हो जाएगी, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी. नेक्स्ट वन इज़ ये देखें, आप अगर एक सर्कल ड्रा हो रहा है तो इसमें भी एरो से शो हो रहा है डायरेक्शन का, और मैग्नीट्यूड क्या होगी कि कितनी मिकदार का हमने ये सर्कल ड्रा करना है, रेडियस क्या होगा इस सर्कल का, वो इसकी मैग्नीट्यूड होगी. ठीक है, अब नेक्स्ट है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है. मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? वो तो हम लोगों ने पता चला लिया कि एक में मैग्नीट्यूड का पता होगा, एक में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता होगी. तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? मतलब हम लोग लिख दें, फॉर एग्जांपल फोर्स है तो हमें कैसे पता चलेगा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? लिखने में डायरेक्ट माइंडली हमें पता है कि अगर 5 kg के साथ साथ अगर हम डायरेक्शन पता होगी तो वो वेक्टर है, लेकिन लिखने में कैसे पता चलेगा? तो लिखने के 3 मेथड हैं. या तो आप लोग उसको बोल्ड लिख दो, जो भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग बोल्ड लेटर से लिख देते हैं. सेकेंड वन इज़, या तो फिर अगर बोल्ड नहीं लिखना तो आपने कोई भी अल्फ़ाबेट, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है उसका अल्फ़ाबेट को आपने ऊपर बार लगा देनी है, अगर बार नहीं तो फिर ऊपर एरो हेड लगा देना है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पोजीशन. पोजीशन क्या है? पोजीशन कहते हैं बेटा, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट वेयर विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन. किसी एक स्टार्टिंग पॉइंट से कोई भी चीज़ स्टार्ट की जाए तो वो स्टार्टिंग पॉइंट आपका रेफरेंस पॉइंट, आपकी लोकेशन होगा, आपका रेफरेंस पॉइंट होगा. ठीक है, अब वो जिस स्टार्टिंग पॉइंट से कहीं पे जा रहा है तो वो उसकी पोजीशन होगी, वो उसका प्लेस होगा जहाँ पे उसने जाना है. जैसा कि मिसाल के तौर पर हम लोग, आप लोग घर से स्कूल जाते हो, ठीक है, तो स्कूल आपका एक, आपकी एक पोजीशन है कि जहाँ पे आपने पहुँचना है, एक प्लेस है. ठीक है, और आपने स्टार्ट कहाँ से किया? घर से, तो घर आपका एक रेफरेंस पॉइंट है. ठीक है, तो ये आपके पास पोजीशन कहलाती है. ठीक है बेटा, आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी. अब आपका काम है, आपने इस वीडियो को 2 से 3 बार मस्ट देखना है ताकि आपके टोटली कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं. ठीक है बेटा, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़.